गुरदेव सतगुरु जी ने फुरमान किया है, गुरु सवारे गंगा जियो, गुरु घर दे अनन श्रद्धालु ते पूर्ण सिख बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने वड्डे गुरु साहिबां पासों गुरमंत्र प्राप्त करके बड़ी बंदगी कीती है। गुरु नानक देव जी दे दर ते भाई मरदाना जी ने रबाब बजाया ते कीर्तन कीता है, पर बाबा बुढ़ा जी ने अपने हत्थां विच झाड़ू लैके गुरु घर दे दलान वेड़े ते लंगर दी सेव कमाई है। सेवा करदे समय वो उच्ची आवाज विच संसार नूं आखदे सन, ऐ दुनिया वाले हो आओ बाबे नानक दे घर विच, इत्थे मेहरां दा मीह पैंदा है, नाम दी बर्फ डिगदी है, ज्ञान दा सोमा फुटदा है, तुसी किसे प्यासे नूं पानी पिलाओ तुहाडी तृष्णा मिट जाएगी, तुसी लंगर दे बर्तन मांजो आत्मा चमक पवेगी, तुसी किसे बजुर्ग दे कपड़े धो दिओ तुहाडे मन दी मैल खुर जाएगी, तुसी पसीने नाल भिजे होए संगत नूं पक्खा झलो तुहाडा अंतशकरण ज्ञान नाल भर जाएगा, तुसी गुरु घर दे पशुआं नूं घा खोद के पाओ तुहाडे औगणा दी जड़ पुट्टी जाएगी। इदां दा आवाजा सुन के लोक आखदे ने कि भीड़ वाला बाबा तो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐ गंगा जीओ नाम ते सेवा विच रतड़ी होई आत्मा पूर्ण सिख बाबा बुढ़ा जी नूं लंगर छकाओ, वह अरदास करनगे और तुहाडी भावना नूं भाग लगेगा। नानक गुरु अतुट खजानियां दी कुंजी दे गए सिखां प्यारियां नूं, अठे पैर जो करने अभ्यास भारा बरत सकणगे ओही भंडारियां नूं। बाबा बुढ़ा जी भीड़ विच जाप कर दे जाप कर दे, बाबा बुढ़ा जी भीड़ विच जाप कर दे, वंड रहे पदार्थां सारिआं नूं, ओ बड़े गुरां दे जिन्हां ने दर्श किते, माण रहे ओ नूर नजारियां नूं, माण रहे ओ नूर नजारियां नूं। जगत माता जी दे दिल विच श्रद्धा ते भावना सी, कई तरह दा पकवान तैयार कीता, शहर दियां सवाणियां भी रथां उपर सवार होईयां, मंजिल मुक्की आई बाबे दी कुटिया, बड़ी श्रद्धा नाल नतमस्तक होए भोजन परोसिया गया, ता अमीरी खाना देख के सिख ने अर्ज कीती, माता जी इस तरह दा भोजन ता वड्डे आदमी खांदे ने ते उन्हां नूं ही हजम हुंदा है, असी ता घा खोद के पशुआं दी सेवा करन वाले हाँ। माता जी ने अर्ज कीती, बाबा जी अरदास करो मेरी भी जग नाल सांझ बन जाए। उत्तर मिलिया, पूजिया माता जीओ एदां दी अरदास तां पंचम गुरु ही कर सकदे हन, सिख ने गुरु दा मान वधाया है। सारा काफला वापस परतिया, गुरदेव जी नूं पता लग्या, फुरमान कीता, गुरु सवारे गंगा जी तुहानूं तां उत्थे जाण दी जुगती नहीं आई, तुसी मिस्से प्रशादे तैयार करो, मक्खन दा पेड़ा, संघनी लस्सी दा मग्गा, एक गंडा ते दही दा कटोरा लैके गुरमंत्र दा जाप करदे होए पैदल चल के जाओ, गुरु नानक भली करेगा। हजूर दे हुक्म दी तामील करदे आं, 21 अस्सू सन 1594 ईस्वी नूं एक दासी नूं साथ लैके मुकाई मंजिल पुज्जे बीड़ साहब। अस्सू दे महीने दा पिछला पक्ष है, ठंडी ठंडी हवा दे बुल्ले तन ते मन नूं शांत करी जा रहे ने, सौनी दियां फसलां दे बूटे झूम रहे सी,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੋਖੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਧੰਨੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਲਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਚਾਰ ਤੇ ਗੰਢਾ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੇਹੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਰਗਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
वसीला ने आराधने दा उंज केड़ा रब नू त्यावे सूरमा सुनखा लाल माता जी नू देवो सारे जग दा सहारा बन जावे जग दा सहारा बन जावे छाते पानी पड़दे तैयार किते बेड़ा चंगा सी नूर नू भी मिले आ है माने इस दर तो नूर नू भी मिले आ है माने इस दर तो धूड़ी ताई मत्ते नू लगावे सूरमा सुनखा लाल माता जी नू देवो सारे जग दा सहारा सुनखा लाल माता जी नू देवो सारे जग दा सहारा बन जावे जग दा सहारा।